Slime mold are also fungi-like protist. And the reason is कि इनके अंदर भी हमें डोमिनेंट करेक्टर फंजाय जैसे मिलते हैं, बट दे आर नॉट फंजाय फॉर सेवरल रीजन. हम इनको फंजाय लाइक प्रोटिस्ट तो कहते हैं लेकिन इनको फंजाय कंसिडर नहीं करते. सो यहां पर इनके लाइफ साइकिल के हवाले से दो स्टेजेस पाई जाती हैं. स्लाइम मोल्ड के अंदर दो स्टेजेस में सबसे पहली जो स्टेज है वो फीडिंग स्टेज है. And the feeding stage of the slime mold is plasmodium. Plasmodium is a multinucleated cytoplasmic structure है जो कि grow कर सकता है size के अंदर about 30 centimeter or 1 foot in diameter. और ये size में उस वक्त ग्रो करेगा जब ये अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा फूड को हासिल कर सकेगा. और इसकी जो फूड है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर डीकंपोज होता है. ये मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक स्टेज जो है, जिसको प्लाज्मोडियम कहा जा रहा है, फीडिंग स्टेज है स्लाइम मोल्ड के हवाले से, ये बड़ी आसानी से ऐसी नमी वाली जगहों पर ग्रो कर जाती है जहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिके हो रहा है वो पाया जाता है. ये वहां से अपनी फूड को ऑब्टेन करता है, ये क्रीप अप करता चला जाता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में. और इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, इवन बैक्टीरिया और स्मॉल प्रोटिस्ट को भी ये इंजेस्ट कर सकता है. सो द प्लाज्मोडियम, जिसकी स्लाइमी अपीयरेंस है, स्ट्रीम ओवर डैम्प डिकेइंग लॉग्स एंड लीफ लिटर. बहुत रिच सोर्स हैं ये दोनों ही ऑर्गेनिक मटेरियल के. इट ऑफन फॉर्म नेटवर्क ऑफ चैनल्स. ये इसको स्प्रेड करने का तरीका है. ये प्लाज्मोडियम जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को एक्सटेंड कर देगा, फैला लेगा, और इतना फैला लेगा कि उस पूरे एरिया के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ये उसको आसानी से एब्जॉर्ब करे, लार्ज सरफेस एरिया बनाने के लिए. सो एज इट क्रीप्स अलोंग इट इंजेस्ट बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अवेलेबल है. सो जितना इसको ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता चला जाएगा उतना ही साइज इसका इंक्रीज होता चला जाएगा. जैसे कि बताया कि यहां पर इसका साइज 1 फीट तक जो है वो बढ़ सकता है. जब ये अपना एक मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है तो आफ्टर दिस फीडिंग स्टेज ये अपनी तादाद में इजाफा करना शुरू करता है. यहां पर अगर तो कंडीशन एनवायरनमेंट में फेवरेबल हो, फूड की अबंडेंस हो, न्यूट्रिएंट्स बहुत रैपिडली अवेलेबल हो, तो यहां पर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेशन की तरफ चला जाएगा. और इस फ्रेगमेंटेशन प्रोसीजर के अंदर प्लाज्मोडियम के फ्रेगमेंट्स बनेंगे इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के, और हर प्लाज्मोडियम जो है वो फर्दर ग्रो कर जाएगा और स्लाइम मोल्ड की ये फॉर्म हमें नज़र आती है नॉर्मल कंडीशन के हवाले से. लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो, एनवायरनमेंट सूटेबल ना हो, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, तो ये फौरन से इन अनफेवरेबल कंडीशन के हवाले से स्लाइम मोल्ड फॉर्म कर लेती हैं रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स. और यहां पर जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टॉक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. और इसी मियोसिस की वजह से ये स्पोर जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, दे आर नॉट द डिप्लॉइड वन. यहां पर जो स्पोर्स हैं जो के बन रहे हैं somehow इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जैसे, लाइक दिस इज अ स्टॉक स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ फिलामेंट्स जो के स्प्रेडिंग स्ट्रक्चर है लाइक फंजाई, जो कि इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी पाया जाता है, डैट इज हाइफी.
एंड दिस स्टॉक एंड पोर्शन हैव दिस पर्टिकुलर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया कहलाता है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स यहां पर मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, एंड द रीजन इज दिस पर्टिकुलर होल स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, और इस डिप्लॉयड स्पोरेंजिया के अंदर अगर मैंने हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं तो यहां पर मियोसिस के ही नतीजे में ये स्पोर्स पैदा हो सकते हैं। ये स्पोर्स इस स्पोरेंजिया से बाहर आएंगे, और जब हालात फेवरेबल होंगे तो ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे, डिफरेंशिएट कर जाएंगे समहाउ डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। यहां पर कुछ स्पोर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करते हैं इनटू बायफ्लैजिलेटेड सेल्स, लाइक दीज टू स्पोर्स जर्मिनेट इनटू बायफ्लैजिलेटेड सेल्स, एंड सम स्पोर्स लाइक दीज टू स्पोर्स मे जर्मिनेट इनटू समहाउ अमीबॉइड स्वॉर्म सेल्स। बोथ अमीबॉइड सेल्स जो जर्मिनेट होकर बने हैं इनके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इसी तरीके से इन बायफ्लैजिलेटेड सेल्स के अंदर भी हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। सो ये दोनों सेल्स बायफ्लैजिलेटेड या स्वॉर्म सेल्स जो हैं, इनके हवाले से याद रखिएगा, या तो स्पोर जो हैं इन तरह के सेल्स बना रहे होंगे या अमीबॉइड टाइप ऑफ सेल्स बन रहे होंगे। अब यहां पर नेक्स्ट जो मरहला आता है कि कंडीशन फेवरेबल हैं तो यही अमीबॉइड टाइप सेल्स जो हैं ये यूनाइट कर जाएंगे, ये फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज होने पर यहां पर अगेन एक जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और इस जाइगोट के अंदर यहां पर न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इन दोनों के न्यूक्लियस क्या थे, हैप्लॉयड थे। सो आफ्टर दिस ये जाइगोट जो है वो ग्रो करेगा, और इसके अंदर अगेन मियोसिस होगी, और इस मियोसिस के नतीजे में यहां पर ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, और इस तरीके से इसके अंदर अगेन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर अगेन क्या कहला रहा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज साइटोप्लाज्मिक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो के फॉर्म हुआ है इन स्पोर से, जो के जर्मिनेट करते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। सो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्टेज जो हमें नजर आती है स्लाइम मोल्ड के हवाले से, और ये उस वक्त होगी जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। सो दिस इज अबाउट द स्लाइम मोल्ड, और यहां पर ये जो स्लाइम मोल्ड है इसके हवाले से एक प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड जो है उसके हवाले से एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, और ये मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, फाइसेरम पॉलीसेफलम इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म जो के प्लाज्मोडियम जैसा ही है, और ये प्लाज्मोडियम है। तो यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, लाइक ग्रोथ। अगर हम बेहतर तरीके से ग्रोथ की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंशिएशन मींस किस स्ट्रक्चर की आगे जाकर क्या डेस्टिनेशन है, वो सेल ने आगे जाकर क्या बनाना है, द फेट ऑफ द सेल, दैट इज डिफरेंशिएशन। लाइक जाइगोट में बहुत सारे सेल्स होते हैं,
उन्हीं जाइगोट के अंदर फिर फर्दर डेवलपमेंट के नतीजे में एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से एक होल इंडिविजुअल बनता है, तो वो सेल्स ही है ना, उन सेल्स ने आगे जाकर स्किन बनानी है, मसल्स बनाने हैं, बोन्स बनानी है, कनेक्टिव टिश्यूज बनाने हैं, तो वो सेल्स की जो फेट है जिनसे बाद में फर्दर स्ट्रक्चर बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये डिफरेंशिएशन है। लाइक यहां पर ये जो स्पोर्स हैं इन्होंने बायोफ्लैजिलेटेड सेल्स में कन्वर्ट होना है या अमीबॉइड सेल्स में कन्वर्ट होना है, ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इस अमीबॉइड स्ट्रक्चर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी मूवमेंट, उसकी हरकत साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। एंड द फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन मींस, यहां पर साइटोप्लाज्म की जो हरकत होगी वो साइटोस्केलेटन मींस सेल का जो ढांचा है जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी ही इन्वॉल्वमेंट के जरिए होगा। तो यहां पर ये जो फाइसेरम पॉलीसेफेलम है ये कुछ बायोलॉजी के हवाले से, बायोलॉजिकल फंडामेंटल प्रोसेसेस के हवाले से इसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लैब्स के अंदर स्टडी के हवाले से। सो दिस इज अबाउट द स्लाइम मोल्ड एंड हाउ स्लाइम मोल्ड रिप्रोड्यूस, हाउ स्लाइम मोल्ड जो है वो अपनी फूड हासिल करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये किस हैबिटेट एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं जहां पर ऑर्गेनिक मटीरियल हो। सो ये तमाम चीजें याद रखिएगा।